ये गिर गया था तो इसकी थोड़ी सी हमने ऐसी मरम्मत काम पे आ गया, काम पे काटेगा। ओ ये देखो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारी मुर्गी को देखो, इसको भी अंडों पे से उठाओ यार, कुछ खाई है नहीं तो यहीं पे बैठी रहेगी। ये सुबह की बैठी हुई है, ये हिलती नहीं है, इसे हिलाना पड़ता है, पता नहीं क्या है, खाने के लिए भी नहीं उठती है ये। इसको उठाकर फिर खाना खिलाना पड़ता है। और ये हमारा खरगोश यार, ये देखो इसके पंख पे, ये गिर गया था तो इसकी थोड़ी सी हमने ऐसी मरम्मत की है। गिर गया था, इसका पाँव मुड़ गया है, लंगड़ा कर चल रहा है, ये देख तीन टांगों पे चल रहा है, एक टांग पर इसके लग गई है। गिर गया था ये ऊपर से, हाथ पे आने की खाने ही कर रहे हैं। इसको कुछ लाकर डालो, वहाँ से घास पे गिरा होगा ना, वो लाकर डालो। देखो कितने प्यारे प्यारे, पहले एक बिल्ली ने मार दिया और दूसरे की अभी देखो टांग पर टूट गई है, टांग पर लग गई है, बहुत ज़ोर से नीचे गिरा था। देखो माशाल्लाह से खाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से। और ये मुर्गी को भी निकालते हैं, देखो अभी तक अंदर ही बैठी हुई है, इसको निकाल कर छोड़ेंगे तो बाहर आएगी, वरना आएगी भी नहीं। मुर्गी का खाना ये खाने लग गए अब। और अभी देखना ऐसे नीचे गिर जाएगी जैसे कुछ है ही नहीं। ये देखो यहीं पे अंडों पर बैठी हुई है, ऐसे ही कर रही है, लेकिन ये फर्श पर ये मारती है खरगोशों को, मारेगी, सबको मारेगी, कोई भी चीज आ जाएगी सबको मारेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये भी अंडों को देखकर दोबारा खड़ी हो रही है, जल्दी से इसे खाना वगैरह डाल देते हैं ताकि फिर ये बाद में दोबारा बैठ जाए। देखो बाजरा खाएगी, ये दाना खा ले और पानी भी रख दो, इसके बाद पानी भी पी ले। और मोर को देखो उसी के अंदर से, ये मुर्गी आ गई, वो देखो कबूतर को मार रही हो, ये कबूतर के पर तोड़ती रहेगी, और कुछ भी नहीं है इसे। चलो ऊपर, ये देखो चूजे भी जगह बना ली इन्होंने, कैसे ऊपर चढ़ना है हमने। चलो चलो ऊपर चलो, जल्दी चलो ऊपर जाओ, वापसी नीचे नहीं आना। और इस मुर्गे को भी भगा देते, मुर्गा भी यहीं पे घूम रहा है, गया मुर्गा भी ऊपर चला गया, कबूतर भी घूम रहे हैं, दाना वगैरह पानी वगैरह पी लेंगे, उसके बाद इन्हें बंद कर देंगे। यार अब मुर्गा इन्हों को तंग कर रहा है, मुर्गे को बंद ही करते हैं, बंद अच्छा है, ये इनको खोल दो ना तो ये कभी किसको तंग करता है, कभी किसको तंग करता है। चलो अंदर चलो उधर, ये बेचारे हर किसी से मार खाते रहते हैं, सारे परिंदे ये जो हैं हमारे मुर्गा मुर्गी और ये बड़े बत्तख, ये सारे इसको मारते हैं। और ये देखो हमारा ये कबूतर भी हिल गया है, ये उड़ता है वापस आ जाता है हमारे पास, ये देखो अभी यहाँ बैठ गया है। अभी इसको बंद कर देते हैं वापस, ये अंदर ही जाएगी वापस, अंदर कर दो इसे और ऐसे ही रख देना, फिर अंदर कर दो, 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 दो कहाँ छोड़ रही है। अंडे देखते ही इसको सबर नहीं है कि दरवाजे में से जाऊँ, ऐसी जाली पर से चाह रही है कि मैं चली जाऊँ। ये देखो अंदर जाएगी अभी, ये देखो अंदर गई डायरेक्ट अंडों पे, थोड़ी सी भी सबर नहीं है इसमें। अब इसको भी खोल देते हैं क्योंकि थोड़ी देर घूमेगा, उसके बाद वैसे ही बंद होना है, शाम का टाइम हो रहा है। और हम दो अपने कबूतर यहाँ नीचे लेकर आ गए, ये दो कबूतर हम नीचे लेकर आ गए, रेसर कबूतर, दोनों रेसर कबूतर हम नीचे लेकर आ गए क्योंकि इनको नीचे रखना सही रहेगा। ऊपर हमारे कबूतरों में काफ़ी बीमारी भी चल रही है और वो एक एक करके बीमार होकर मर ही रहे हैं, कम अभी भी दो से तीन कबूतर बीमार हो रहे हैं हमारे। और हमारा एक वो जो था लखा कबूतर जो था, पूंछ खुली हुई थी जिसकी, वो भी हमारा एक कबूतर मर गया है, बाकी अभी एक ही बचा है। और ये हमारा कबूतर, ये भी सुस्त हो रहा है, हम लेकर आए थे, ये भी सिलो हुआ हुआ है पहले से, आंखें बंद करके बैठा रहता है थोड़ी थोड़ी देर तक। अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा नया पेट जो अंदर पड़ा है, अभी मैं लेकर आता हूँ। और ये देखो हमारे मोर को हमने इसमें दाना डाला है, उसमें खाने लग गया है, इसकी मैं डाला था कि इसमें से खा लेगा, लेकिन उसमें से खा रहा है। चलो जहाँ से भी खा रहा है खा तो रहा है, शुक्र है। और आज हम लेकर आए हैं हैंटेम बर्ड, ये हिला हुआ है, देखो हमारी एक हाथ से दूसरी तरफ जाता है, काटता भी नहीं है ये देखो। ये पालतू है हमारा तोता, हमने इसका नाम रखा हुआ है मिठू मिठू, क्योंकि इसे मिठू ही बोलते हैं, इसलिए हमने इसका नाम भी मिठू ही रख दिया है। अभी ये बच्चा है, इतना बड़ा भी नहीं है, तभी ये हाथ पर टेम हुआ हुआ है, एक हाथ से दूसरा हाथ आगे करते हैं जैसे ही खुद ही चलकर आ जाता है। लेकिन इसके पंजे देखो कितने खतरनाक हैं, हाथ पे आते ही हाथ पे लगते हैं। अभी देखो ये देखो निशान आ रहे हैं हाथ पे मेरे, जहाँ जाइए पाँव रखेगा वहाँ वहाँ निशान आ जाएंगे। ये देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा है, होश करो, तंग करोगे ना अगर तो फिर काटेगा, ये वैसे नहीं काटेगा। इसके हम पूंछ पर हाथ लगाते हैं ना तो ये इतना ज्यादा गुस्सा करता है, अभी देखना मैं पूंछ पर हाथ लगाता हूँ, ज्यादा गुस्सा करेगा, मेरे तो हिल रहा है, पकड़ने ही नहीं दे रहा पूंछ। और हमारे जो वो तोते हैं वो ऐसे हाथों में बैठते हैं, ये देखो कैसे शोर कर रहा है, नहीं करो नहीं करो तंग नहीं करो, गुस्सा हो रहा है। हमारे वो जो वो तोते हैं वो तो हाथों में बैठते भी नहीं है, इस वजह से हम ये लेकर आए, ये हाथों में बैठेगा, ये देखो हाथ आगे करते ही हाथ पे आ जाता है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है हमारा ये तोता। देखो अभी गुस्सा करेगा, सर पे हाथ फेरेंगे ना तो ये आँख का जो अंडा होता है वो भी छोटा सा कर लेता है ऐसे करने पर, ये देखना अभी
देखो गुस्सा करेगा ना। इसे हम बाकी तोतों के साथ नहीं छोड़ेंगे जो हमारे हरे तोते हैं, क्योंकि वो जंगली है, वो इसे भी जंगली कर देंगे, अपने जैसा बना देंगे। इसलिए हम इसे अकेला रखेंगे ताकि ये जंगली ना हो और ये हमारे साथ ही रहे। इसको अपने पास रखेंगे बिल्कुल साथ। देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। और आज हम लेकर आए हैं तुड़ी। ये देखो, ये इसके अंदर गर्माइश होती है ना, तो इस वजह से इनको भी गर्मी, नीचे सर्दी की हो रही है ना, सारे तो गर्मी लगेगी सर्दी की वजह से। अभी ये लेकर आए तो इसको नीचे रख देंगे तो इसके साथ से सर्दी नहीं लगेगी। गर्माइश है ना, तुड़ी गर्म होती है, तुला बोलते हैं वैसे तो, लेकिन हम पंजाबी में तुड़ी बोलते हैं। अब ये देखो मेरे कान पे आ गया, कान पे काटेगा। ओ ये देखो अभी तो काटा इसको, ये काटे बाल सीधे कर रहा है इसके। ये देखो ये मेरे को कान पे काटने आ रहा है, बदतमीज है। ये देखो डर रहा है। अच्छा वो डाल दो, इसको अंदर ही छोड़ कर आ जाओ वरना मुझे काटेगा, मैं तो नहीं बिठा रहा अपने कंधे पे इसको। और अभी सबको हम तुड़ी डाल देते हैं, यही थोड़ी थोड़ी चीज सारे के पास फेंकनी है क्योंकि सर्दी ना लगे। इनको चेक करें, खाते भी हैं क्योंकि ये गाय को खिलाई भी जाती है घास में। ये देखो ये खा रहे हैं, ये चकनी मार लेना क्योंकि ये काट भी लेते हैं। मैं उनको बड़ों को खिला रहा था तो उन्होंने काट लिया था मुझे, इस वजह से मैं हाथ पे नहीं खिलाता इन्हें। देखो कैसे आ गए खाने के लिए, माशाल्लाह से इतने करीब आते हैं, डरते नहीं है ये बिल्कुल भी। नहीं तो रैबिट के बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, किसी के करीब भी नहीं आते। मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।